सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के प्रेस एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे बहुप्रतिष्ठित संगठन, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसका हमेशा से देश की सुरक्षा में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो इनके बारे में जानते हैं या यूं कहें इनके बारे में जानना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं भारत की बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो कि BRO के नाम से जानी जाती है। और इस एपिसोड में हम आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आप सभी को मालूम होना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को स्पष्ट कर दें कि इसमें दिखाई गई इमेजेस केवल रिप्रेजेंटेशनल पर्पस के लिए है। तो चलिए आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। BRO की स्थापना भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 7 मई 1960 में की गई थी, और इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का जो प्रमुख उद्देश्य था वो ये था कि आज़ादी के बाद जो भारत की सीमाएं और जो भारत के सुदूरवर्ती इलाके हैं जहां पर संसाधन आसानी से नहीं पहुंच सकते हैं, ऐसी जगहों पर एक ऐसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जा सके ताकि इंडियन आर्म फोर्सेस इन जगहों पर आसानी से पहुँच के इन इलाकों को सुरक्षित रख सके। और इसलिए BRO रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सड़क निर्माण करने वाली एक प्रमुख संगठन है, और इसका मुख्य काम केवल भारत के सीमा क्षेत्रों या फिर भारत के सुदूरवर्ती इलाकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत के मित्र देशों में भी रोड नेटवर्क को डेवलप और मेंटेन करने का काम करती है। और ये ऑर्गेनाइजेशन वर्तमान समय में 21 राज्य, एक यूनियन टेरिटरी जिसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड शामिल है, और अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में रोड नेटवर्क्स को डेवलप और मेंटेन करने का काम कर रही है। और ये BRO करीब 32,885 किलोमीटर से भी लंबे रोड नेटवर्क को ऑपरेट करती है, और इसके साथ साथ देश में करीब 12,1200 मीटर के परमानेंट ब्रिजेस भी इसके द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ में इंडियन आर्मी की कोर ऑफ इंजीनियर्स से भी ऑफिसर्स और ट्रूप्स भी शामिल होते हैं, और इसका मोटो है श्रमणम सर्वम साधम, जिसका मतलब हुआ कि आप कड़ी मेहनत से किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। और BRO के एग्जीक्यूटिव हेड के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है, जिसे DGBR कहते हैं, और वर्तमान समय में इस पोस्ट पर लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह हैं। अभी शायद आप में से कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन केवल रोड नेटवर्क को ही मेंटेन करने का काम करती है तो इसमें बड़ी बात क्या है। तो आपको बता दें कि BRO ऐसे कठिन इलाकों पर इन रोड नेटवर्क को मेंटेन करती है जहाँ पर आप जाने की सोच भी नहीं सकते, और इस ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनल्स को इसके पेरेंट कैडर BRES यानी कि बॉर्डर रोड इंजीनियरिंग सर्विसेज और GREF यानी कि जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स से लिया जाता है। और जो इसमें ऑफिसर्स का सिलेक्शन होता है वो UPSC के इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज यानी कि IES एग्जामिनेशन के माध्यम से किया जाता है। और आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड कहां पर है। और बाकी हम आपको बता चुके हैं कि इसमें कुछ ऑफिसर्स को इंडियन आर्मी के कोर ऑफ इंजीनियर्स से भी लिया जाता है। अगर बात करें BRO की महत्वपूर्ण भूमिकाओं के बारे में, तो शांति काल के दौरान तो ये ऑर्गेनाइजेशन बॉर्डर एरियाज पर ऑपरेशनल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ जनरल स्टाफ को डेवलप और मेंटेन करने के साथ साथ जो बॉर्डर स्टेट्स हैं वहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना योगदान देती है। और वहीं जब युद्ध जैसे हालात बनते हैं तब इसका मुख्य कार्य होता है LOC और LEC जैसी जगहों पर रोड नेटवर्क को इस तरीके से मेंटेन करके रखना ताकि वहाँ पे इंडियन आर्म फोर्सेस आसानी से अपने ऑपरेशंस कर सके। और इन स्थितियों में BRO को मुख्य रूप से सड़कों, पुलों, सुरंगों, कॉजवेज, हेलीपैड और एयरफील्ड के निर्माण का कार्य सौंपा जाता है। BRO के पास करीब 18 परियोजनाएं हैं जो कि अलग अलग टास्क फोर्सेस, रोड कंस्ट्रक्शन कंपनीज, ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनीज, ट्रेन मेंटेनेंस कंपनीज और प्लेटून्स के बीच डिवाइड की जाती हैं। और इसके पास बेस वर्कशॉप, स्टोर डिवीजन, ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट सेंटर्स जैसे अलग अलग कार्य भी मौजूद हैं। और कठिन से कठिन परिस्थिति और खराब से खराब मौसम के बावजूद भी अपने कर्तव्य पर निरत रहते हुए ये सीमा क्षेत्रों पर बुनियादी ढांचे का विकास करते हैं ताकि इंडियन आर्म फोर्सेस को उनकी सामरिक जरूरतों को पूरा करने में मदद हो सके। और इतना ही नहीं बल्कि सुदूर दुर्गम इलाकों में बुनियादी ढांचे का विकास करके इसने भारत के सामाजिक व आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अपनी स्थापना के बाद से लेकर अभी तक BRO पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करके अपना महत्वपूर्ण योगदान दे चुका है। और अभी हाल ही में भी जोजिला पास के कार्य को इतने शेड्यूल टाइम से पहले पूरा करके इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल किया था। और जब 2017 में डोकलम विवाद हुआ था वहाँ पे रोड नेटवर्क इतना अच्छा नहीं था जिस वजह से बेस तक पहुँचने में करीब 7 घंटे तक का समय लग जाता था, लेकिन अब BRO की मदद से वहाँ पे हर मौसम में काम करने वाली तारकोल से बनी एक सड़क तैयार हो चुकी है जिस पर आप चाहे जितना वजन ले जा सकते हैं। और उसकी मदद से अब जहाँ 7 घंटे का समय लगता था वहीं अब केवल
40 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा। और अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि BRO समय समय पर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट bro.gov.in पर वैकेंसीज निकालते रहता है। आप चाहे तो वहां जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन देश के फॉरवर्ड एरियाज में अभी तक करीब 19 एयरफील्ड्स का निर्माण कर चुकी है और हिमाचल प्रदेश में स्थित दुनिया की सबसे कठिन मोटरेबल टनल रोहतांग टनल का निर्माण करने में इसी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है। और इंडियन आर्म फोर्सेस को सपोर्ट करने के उद्देश्य के साथ शुरू की गई ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक पहल थी जो कि आज के समय में एक बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और BRO ने अपनी स्थापना के बाद से अभी तक जो भी उपलब्धि हासिल की है वो सभी अद्वितीय है। और इसमें काम करने वाले कई हजार लोग जिन्होंने सीमा में शत्रुतापूर्ण और दुर्गम क्षेत्रों में सड़क बनाने के लिए अपना जीवन लगा दिया, हमें उन्हें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इन दुर्गम इलाकों में सड़कें केवल सीमेंट या कंक्रीट से नहीं बनती हैं, बल्कि भारत के सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के खून और पसीने से बनी है, क्योंकि बहुत से लोगों ने इस दौरान काम करते हुए अपनी जान भी गंवाई है। लेकिन खतरा चाहे कैसा ही हो, इसके बावजूद भी इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हार्ड वर्किंग पर्सनल्स ने अपने कर्तव्य को सबसे पहले रखा है और अपनी मातृभूमि की रक्षा के साथ साथ अपने पड़ोसी देशों की खुशहाली की कामना करने वाले ये नायक भारत माता के हर हिस्से से आए हैं और हम इनके इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए सदा इनके आभारी रहेंगे। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।